बोलेंगे ओम शांति। आज आप सभी ब्राह्मणों को खूब खूब कोटि कोटि बधाई हो, क्योंकि आज हम सभी यहाँ पर इसलिए आए हैं, हाँ, टीटवाला सेंटर के मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन करने। हम सभी यहाँ पर टीटवाला में नए सेंटर के ओपनिंग के प्रोग्राम में आए हैं। आप सभी को बधाई हो। पहले आप सभी किसके लिए ताली बजाएंगे? टीटवाला वालों को नया सेंटर मिला उसके लिए ताली बजाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, रोज बाबा के नए नए सेंटर खुलते रहें और नए नए बच्चे आते रहें। तो आज हम सभी यहाँ पर पहले 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा को याद कर और उन आत्माओं का आह्वान करेंगे जिनका इस नए सेंटर में जन्म होना है। हम सभी अपनी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं देंगे इस सेंटर को। तो अभी सभी 3 मिनट पहले बाबा की याद में बैठेंगे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। तो 3 दिन के लिए आनंदमय जीवन के लिए राजयोग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उसके पश्चात 7 दिन के लिए राजयोग शिविर का भी आयोजन किया गया है। सुबह शाम और रात्रि को 3 समय है, सुबह 7 से 8 है, शाम को 5 से 6 है और रात्रि 8 से 9 बजे तक है। तो तीनों समय में आप कभी भी आ सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, राजयोग बहुत ही आसान है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। किसी भी उम्र का आदमी, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर कोई इसको कर सकता है। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे है द्वार, खिली है कलियां, सजे है द्वार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका।
मन है महका दीदार आपका पाकर पूरे की दिल के अरमां स्वयं यहाँ पे आकर स्वयं यहाँ पे आकर आप आए धन्यवाद आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे है द्वार खिली है कलियां सजे है द्वार आई है जिनका था इंतजार स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे है द्वार खिली है कलियां सजे है द्वार स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे है द्वार खिली है कलियां सजे है द्वार आई है जिनका था इंतजार स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका स्वागत करते हैं दिल से आपका अभिनंदन करते दिल से आपका ओम शांति आज के इस सुंदर वातावरण में रीजेंसी सर्वम के प्रांगण में ईश्वरीय गोद में
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वैसे तो अगर मानव अपने जीवन के अंदर हमेशा उस परमात्मा की याद में रहे और सत्कर्म करता रहे तो जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर ही रहता है। परंतु फिर भी कुछ जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो अवसर हमें अवश्य ही खुशी से और साथ साथ आनंद से, और ये जो एक उत्सव है जहाँ पर सारा परिवार एकत्रित हुआ है, ये परिवार आज एक उत्सव मनाने के लिए आया है। ये परिवार जो उत्सव के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है, उत्सव इसलिए मनाया जाता है जब कोई बहुत ही खुशी की बात होती है। वैसे तो ये रीजेंसी सर्वम में बहुत ही इसका उद्घाटन क्लब हाउस का या जो रहने वाले लोग हैं सभी ने अपने अपने रीति से जरूर किया ही है, परंतु रीजेंसी सर्वम में आज पीस पैलेस का उद्घाटन है। हमारे रीजेंसी ग्रुप के जो चेयरमैन हमारे भ्राता महेश भाई जी हैं, जो एक बहुत ही अच्छी भावना, ऐसा कहें कि उनके मन में एक कल्याण की भावना कि जो भी इस कैंपस में रहें, जो भी इस स्थान पे रहें, वो परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी या कुछ आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़े रहें। जैसे पहले जमाने में राजाएं जब महल बनाते थे तो महल के साथ मंदिर भी जरूर बनाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे रीजेंसी ग्रुप के चेयरमैन हमारे महेश भाई जी हैं, वो उन्होंने उस प्राचीन संस्कृति को इस रीजेंसी सर्वम में कायम किया है, जो उन्होंने सभी को रहने का स्थान तो दिया ही दिया है बना के, परंतु इंसान को जीने के लिए सिर्फ मकान नहीं परंतु साथ में एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। जो मॉरल सपोर्ट इन आध्यात्मिक शक्तियों से प्राप्त होता है, मैं ये कहूं कि हम सुनते हैं धर्म और कर्म, व्यवहार और परमार्थ, ऐसे बहुत कम मिसाल होते हैं जहां पर व्यवहार के साथ परमार्थ को जोड़ा जाए, कर्म के साथ धर्म को जोड़ा जाए। कहती है ये जीवन जो है ये गाड़ी है जो दो पटरी पे चलती है, अगर दोनों पटरी पे बराबर चलेगी तो बराबर मंजिल पर भी पहुंचेगी। ये दो पटरी बताइए, व्यवहार और परमार्थ, धर्म और कर्म। व्यवहार तो हम सभी करते ही है, व्यवहार में तो हर एक दिन प्रतिदिन आगे जाता ही है, परंतु व्यवहार में जितना आगे जाए परमार्थ को उतना साथ में जोड़ के रखें। यह मिसाल हमारे महेश भाई जी का है। हम बहुत बहुत तहे दिल से हमारे महेश भाई का परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है, गुलदस्ता उपस्थित है आज। हाँ, परमात्मा हमेशा परिवार को कहते हैं गुलदस्ता, तो गुलदस्ते में फूल भी होती है, कलियां भी होती है, तो ही गुलदस्ता बहुत सुंदर होता है। हमारे महेश भाई के परिवार से सभी उनके भाई, हमारी मीठी सुमन बहन और महेश भाई की भाभियाँ, अन्य जो भी यहाँ पर पधारे हैं, साथ में हमारे उद्धव दास भाई जी, जो आज बहुत ही, मैं ऐसा कहूँ कि इस प्रोग्राम के जो मंच आसीन हैं उनको, भले बहुत शादियों की सीजन है, आज हर एक इंसान अपने अपने जीवन में अपने अपने शेड्यूल में बहुत बहुत व्यस्त है, आपने बहुत प्रयास करके इस मंच पर आसीन करने के लिए, सुशोभित करने के लिए बहुत अपनी अपनी सेवाएं दिया। हमारे उद्धव दास भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे सीताराम भाई, महेश भाई ने जिनको सेवा सौंप दिया यहाँ पर, रीजेंसी सर्वम की सेवा सौंप दिया, तो
जो यहाँ पर सारी रेट देट तो करते हैं, परंतु जब पीस पैलेस बन रहा था उनकी भी रेट देट में आपका बहुत बहुत योगदान रहा। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी चंद ही मिनटों में हमारे विशेष मेहमान पहुंच जाएंगे और हम पीस पैलेस का अर्थात भवन का नेम प्लेट और रिबीन कटिंग करके ऐसा कहें कि वो स्थान की सेवाएं, जब भी कोई कार्य शुरू करना होता है ना, तो ये रिबीन कटिंग या टेट कटिंग या कैंडल लाइटिंग, कुछ महान विभूतियों की उपस्थिति, उनकी शुभ कामनाएं दुआएं, विशेष हमारे बॉम्बे से हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सेवाओं का निर्देशन करते हैं, और हमारे मीठी सोम दीदी जी वो भी पधारे हुए हैं, और भी हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं जिनके उपस्थिति में इस पीस पैलेस का शुभ उद्घाटन होगा। जब तक हमारे मेहमान आए, एक हमारी बीच में बहुत सुंदर डांस, दीदी इसको बोलते हैं मोहित राजा, शायद इसकी डांस को देखने के बाद आपको लगेगा हम भी कुछ ऐसे परमात्मा से मीठी बात कर लें। सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर, सब चिंता फिकर यह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया हम हो गए बेखबर।
पहले नेम प्लेट का रिबिन कटिंग सेरेमनी होने जा रहा है। कल से आप इस केंद्र पर नियमित आ सकते हैं। आप सभी तालियों का साथ देंगे। भाइयों और बहनों, ये ऐसा घर है जहां से अनेक घर संवर जाते हैं, बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं, बिगड़े हुए मन स्थिति संवर जाती है। ओम शांति। परमात्मा का झंडा लहराया जा रहा है, सबके दिल में परमात्मा के स्नेह का झंडा लहरा रहा है, यहाँ पर ये झंडा लहराया जा रहा है। सभी मेहमान मंच पर आ जाएं। हमारे कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन के हमारे सम्माननीय कमिश्नर जी, डिप्यूटी मेयर अपेक्षा बहन जी, हरिलाल भाई जी, विशेष माउंट आबू हमारे रॉडलीवुड स्टूडियो से आए, हमारे महेश भाई जी। अभी मैं बहनों को निवेदन करूंगी कि बहनें आए हुए मेहमानों का बैच से, गुलदस्ते से, शॉल से सम्मान करें। स्वागत बारंबार है, आप आए, मौसम गाए, गाए, ये संसार है। सभी का बहुत 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 हम फूलों से स्वागत कर रहे हैं। हमारे महेश भाई के परिवार का भी मैंने गुलदस्ता देकर स्वागत करेगी। आदरणीय संतोष दीदी का भी फूलों से बहुत बहुत स्वागत है।
शुभ है हमारे पीस पैलेस का। पीस पैलेस अर्थात शांति महल, दो शब्दों का संयोग है ये। शांति आध्यात्मिकता है और महल भौतिकता है, परंतु वास्तव में ये वो महल है जहाँ पर सभी को शांति के प्रकंपन मिलेंगे। तो मेहमानों का शॉल पहना ले स्वागत कर रही है, तालियों की बरसात जो है वो चालू ही रहे। हमारे आदरणीय दीदी जी भी मंच पर आकर पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय दीदी को भी बहने गुलदस्ता देकर स्वागत करेगी। अब हम कैंडल लाइटिंग करने जा रहे हैं इस पीस पैलेस का। कोई भी कार्य जब शुरू किया जाता है तो दीप जलाया जाता है। दीप माना दिया, दिया माना देना। दीप क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है, उजियारा दे रहा है, रोशनी दे रहा है। जो देना है वास्तव में खुशी देनी है, प्रेम देना है, प्रकाश देना है, हमें सम्मान देना है, हमें एकता देनी है। ये जो आज दीप प्रज्वलित हो रहा है, ये दीप प्रज्वलित हमें संदेश दे रहा है कि हमें अपने मन के अंदर परमात्म प्रेम का दीप जलाना है। तो मैं मंच पर बैठे हुए मेहमानों को आमंत्रित करती हूँ कि वह दीप जलाने के लिए आएं, और उसके बाद में हम आदरणीय मेहमानों के द्वारा आज के इस पीस पैलेस के शुभ उद्घाटन के निमित्त आशीर्वचन और प्रेरणा के वचन सुनेंगे। से उनका स्वागत करें। ये सब उद्घाटन की जो रस्म है, रिबन काटना, केक काटना, जब ऐसा शुभ उद्घाटन होता है तो उस शुभ उद्घाटन में जो महान विभूतियां, तपस्वी आत्माएं, तपस्वी मूरत अपने चरण, अपना शुभ आगमन, वह सभी को कुछ ना कुछ भरपूर करते जाते हैं। उनके जो अनमोल वचन हैं, उनकी जो अमृत वाणी है, वह हमें आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बॉम्बे से आए हुए हमारी राजयोगिनी, हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी, आप महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सेवाओं के साथ साथ में
वर्तमान में अब आप माउंट आबू में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप बहुत ही व्यस्त हैं, परंतु व्यस्त होते हुए भी आपने टीटवाला के इस पीस पैलेस के शुभ उद्घाटन का निमंत्रण आदरणीय सोम दीदी की तरफ से और महेश भाई जी की तरफ से मंजूर किया, उसके लिए हम आपका बहुत 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 तहे दिल से आभार मानते हैं। यह आध्यात्मिकता शक्ति एक हीलिंग पावर है और यह वर्तमान समय इस भागा दौड़ी की जिंदगी में मनुष्य के तन मन में बहुत ही राव है। यह आध्यात्मिकता कैसे हीलिंग करती है, यह पीस पैलेस कैसे शांति स्तंभ बनकर पूरे आसपास के एरिया में शांति के प्रकंपन देता रहेगा, ऐसी दुआएं, ऐसी शुभकामनाओं के अनमोल वचन हम आदरणीय दीदी जी के द्वारा सुनेंगे। ओम शांति, सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। आप सभी बैठे ही है विशेष पीस पैलेस की ओपनिंग के लिए। अभी ऐसा भी भला कोई स्थान होता है जहाँ पर पीस मिले, और सब चीज़ें तो दुनिया में बहुत मिलती है, परंतु शांति के लिए मनुष्य दर दर भटकता है, एक जगह से नहीं मिलती है तो दूसरी जगह तीसरी जगह, सदा जब तक उसके श्वास में श्वास है तब तक शांति की खोज में आज का मानव रहता है। परंतु अगर ओम शांति के महत्व को जान लेवे, उसके अर्थ स्वरूप में स्थित हो जावे, तो मैं समझती हूँ शांति ढूंढने की चीज़ नहीं है, परंतु आत्मा जो है, मैं आत्मा इस शरीर से जो भिन्न हूँ, मेरा स्वधर्म ही शांत है, इसीलिए तो मुझे शांति बड़ी प्रिय लगती है। हर एक को शांति की इच्छा इसीलिए रहती है क्योंकि आत्माओं ने उस शांति का अनुभव किया हुआ है। वैसे भी आप देखो, जैसे कोई चीज़ होती है, अच्छी चीज़ खाते हैं तो उसकी याद आती है और ऐसा लगता है कि वो बड़ी अच्छी टेस्टी चीज़ थी, अच्छा दृश्य देखते हैं तो उसकी याद आती है। वैसे ही सर्व आत्माओं को शांति की याद आती है क्योंकि हम सब आत्माएं शांति देश में रहने वाली है, शांति धाम में रहने वाली है, शांति के सागर की संतान है और हम सभी का स्वधर्म भी शांत है। मनुष्य ओम शांति तो कहते हैं, परंतु क्या उस शांति के स्वरूप का अनुभव कभी कर सकते हैं? ये थोड़ी विचार करने की बात है कि शांति के अनुभव के लिए पवित्र विचारों की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्रता ये सुख और शांति की जननी है। जैसे जैसे हम अपने मन के अंदर पवित्र संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, पॉजिटिव संकल्प करते हैं, सुखदायी संकल्प करते हैं, तो उस आधार से धीरे धीरे जिस मन को मारने के लिए, जिस मन को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करते हैं, वो सहज ही हमारे कंट्रोल में आ जाता है। इसीलिए गीता के भगवान ने सर्व को ये समझ दिया है और उसने हमें महामंत्र दिया हुआ है सबको, मन मना भव, अर्थात मन को मेरे से लगा। आप सभी ने ये अनुभव किया हुआ है, हम जैसे व्यक्ति को याद करते हैं वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति को याद करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, अगर कोई दुख देने वाली व्यक्ति को याद करते हैं तो उसको भुलाने की कोशिश की जाती है। तो परमात्मा पिता को इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो शांति का सागर है। तो जितना जितना हम उसकी याद में रहते हैं,
अपने मन को उसकी तरफ जब लगाते हैं तो हमें उससे शांति का प्रभाव मिलता है, शांति की करंट आती है और आत्मा का जो असली स्वधर्म है उस स्वधर्म में आत्मा स्थित हो जाती है। तो ये जो यहाँ पर विशेष पीस पैलेस ये स्थान बनाया हुआ है, ये अनेक आत्माएं जो शांति की खोज में हैं वो आके यहाँ पर शांति का अनुभव करे, और जिन्होंने शांति का अनुभव कर लिया है वो अपनी तपस्या के द्वारा चारों ओर आकर के बैठ के ईश्वरीय याद में रह कर चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन फैलावे, इसके लिए विशेष ये स्थान बना हुआ है। वैसे भी ये देवस्थान है जहाँ पर विघ्न विनाशक की यादगार है, तो विघ्नों को विनाश करने के लिए जो शक्ति चाहिए, क्योंकि कलयुग है ही विघ्नों का युग, समस्याओं का युग, उसको पार करने के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए वो ईश्वरीय याद के द्वारा मिलती है। तो कैसे हम उस ईश्वर को पहचाने, खुद को पहचाने, खुदा को पहचाने, उस शांति के सागर को याद करके अपने जीवन में शांति को अपनाए और शांति दूत बनके सर्व आत्माओं को शांति का संदेश देवे, ये कर्तव्य करने के लिए विशेष स्थान का निर्माण किया गया है। और हमारे महेश भाई और उनका जो परिवार है जिनको ये शुभ संकल्प आया और इतना अच्छा जिन्होंने स्थान बनाया, उनको तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि ऐसे स्थान बनाने वाले तो बहुत कम होते हैं, परंतु महेश भाई बहुत बड़ा व्यापारी है, क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ पर आके जितनी भी आत्माएं शांति का संदेश लेगी, जितनी भी आत्माएं यहाँ पर सुख की अनुभूति करेगी, उसका कमीशन भविष्य में उनके खाते में जमा होता जाएगा। तो ये पुण्य का जो काम है, ये पुण्य का काम कोई भी कर सकता है, आप लोगों में से भी कर सकते हैं, दूसरे स्थान बना करके और कमीशन एजेंट बन के। ऐसा कमीशन तो कोई नहीं देता है जो परमात्मा कमीशन देता है, क्योंकि दाता तो वही है। ये तो सब जानते हैं कि हम जो भी पुण्य का काम करते हैं उसका रिटर्न हमेशा ईश्वर को ही देना पड़ता है, परमात्मा को ही देना होता है, क्योंकि देने वाला एक है और लेने वाले अनेक हैं। कभी कभी रास्ते में से जब जाते हैं और सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हो जाती है तो भिखारी भी आके क्या कहते हैं, अल्लाह के नाम पर दो, ईश्वर के नाम पर दान करो। उनको भी ये समझ है कि देंगे मेरे को, परंतु रिटर्न ईश्वर को करना पड़ेगा। तो परमात्मा सबको देने वाला दाता है, इसीलिए उससे बुद्धि का योग जोड़ करके हम उसके द्वारा सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की अनुभूति करें, उसकी यहाँ पर खास विधि भी बताई जाएगी। और जिस विधि के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाते हुए सारे विश्व में शांति फैलाने का काम करेंगे। तो ये जो स्थान है ये खास औरों के लिए लाइट हाउस बनेगा, यहाँ से सर्व को ज्ञान की लाइट भी मिलेगी और परमात्मा की याद के द्वारा माइट अर्थात शक्ति भी मिलेगी, क्योंकि आज जो भी विघ्न हैं उन विघ्नों को खलास करने के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति चाहिए वो सर्वशक्तिवान परमात्मा को याद करने के बाद ही हमें प्राप्त होती है, और उस शक्ति के द्वारा ही हम सर्व विघ्नों को विनाश करके और विघ्न विनाशक बन करके अपनी जीवन को सदा के लिए संतुष्ट और ऊंचा बना सकते हैं। ये सारी समझ, ये सारी समझानी यहाँ पर आपको मिलेगी, इसीलिए ज़रूर आप भी इसका लाभ लेंगे, औरों को भी इसका लाभ देंगे, औरों के भी आप गाइड बन करके उन्हें भी रास्ता बताएंगे, जिससे आपको भी उससे प्राप्ति होती रहेगी। तो आप सभी को आज के शुभ दिवस पर बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने चंद शब्दों के द्वारा, अपनी मीठी वाणी के द्वारा इस भूमि को, इस पीस पैलेस को आपने अपने वरदानी बोलों से सचमुच ही
भरपूर कर दिया। इस स्थान पर जो भी आत्माएं आएंगी वह ईश्वरीय अनुभूति के द्वारा अपने नए जीवन की यात्रा आरंभ करेंगी। अब हम सबके बीच में कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन से पधारे हुए हमारे सन्मानीय हमारे कमिश्नर जी सन्मानीय गोविंद भाई जी, मैं आमंत्रित करती हूँ कि आज आप इस शुभ उद्घाटन के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दें। आज के शुभ अवसर पर या पीस पैलेस ये रिजेंसी सरोवर में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इस फंक्शन के लिए उपस्थित मंच पे सब ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर से सब दीदियाँ, उनके सब अतिथिगण, उल्लासनगर के एमएलए मैडम, कलानी मैडम, उल्लासनगर के महापौर मैडम, हमारे कल्याण डोंबिवली के उप महापौर मैडम, हमारे दोस्त, और ये जब रिजेंसी सर्वम और रिजेंसी ग्रुप के सर्वा महेश जी अग्रवाल, दूसरे हमारे दोस्त उद्धव जी, हमारे जवाहर सेठ, सब मंच पे उपस्थित सब मान्यवर और मेरे भाइयों और बहनों, अभी दीदी ने आपको पीस के बारे में, शांति के बारे में सब कुछ बताया और मेडिटेशन का अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस तो सबको मालूम है, और सब शांति के लिए हर दिन आप सब शांति के लिए जिधर उधर आप पर काम करते हैं कि शांति मिलना, यही अपना मकसद रहता है। मैं महेश भाई का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा मेडिटेशन जो लोगों को शांति के लिए एक मेडिटेशन लगता है वो निर्माण करके सब ये कॉम्प्लेक्स में हुआ। ये टिटवाला का परिसर और ये कल्याण डोंबिवली का जो परिसर है उस सब लोगों को ये बेनिफिट मिलने के लिए इन्होंने जो ऐसा सेंटर बनाया है, इस वास्ते मैं एज ए कल्याण डोंबिवली के कमिश्नर बोल के इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर से मुझे मालूम है कि ये सबका अपना घरों का सपना सबका पूरा करते हैं, तैसा वैसा वो शांति का ही सपना वो पूरा कर रहे हैं। इस वास्ते मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके महेश जी अग्रवाल, उनके सब पार्टनर, सब उनके जो टीम है उनको ये ऐसा वस्तु निर्माण करने के लिए बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर से ये सेंटर का अपने मेडिटेशन और ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी जी मेडिटेशन सेंटर है उसका लाभ लेंगे। निश्चित तौर से मैं भी बहुत ये ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर से अटैच हूँ। आप सब मुझे, मैं एक 10-12 साल पहले 2005 में मैं माउंट आबू में जाके एक 2 वीक का कोर्स ही करके आया हूँ, और निश्चित तौर से ये बहुत ही अपने लाइफ में बेनिफिट होता है। आप सबको जो कोई माउंट आबू गए नहीं सबको मैं विनती करता हूँ कि अभी जाके उधर का जो बेनिफिट है, वेरियस कोर्सेस रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्सेस रहते हैं, अपना जो कुछ बिजनेस के कोर्सेज रहते, सब कुछ जो जो फील्ड में अपन काम करते हैं वो फील्ड के कोर्सेज रहते हैं, उसका फ़ायदा लीजिए। और फिर एक बार मैं महेश जी अग्रवाल और उनके टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सब मेडिटेशन ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन सेंटर का जिधर आज इनॉग्रेशन होगा, आप कल से आप इनका बेनिफिट लेते हैं। निश्चित तौर से ये शांति के लिए बहुत 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 फायदा होगा और सबके लिए इसका बेनिफिट होगा। और फिर से एक बार सब ये अतिथिगण को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मुझे यहाँ बुला के इनॉग्रेशन का चीफ गेस्ट बनाए और बोलने का मौका दिया है, इस वास्ते मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत थोड़े समय के लिए आए परंतु आपके आने से सभा की रौनक बढ़ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहनों को निमंत्रण देती हूँ कि वह बहनें हमारे KDMC कमिश्नर को ईश्वरीय सौगात देते। अब हम सबके बीच में हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की हमारी डिप्यूटी मेयर बहन अपेक्षा बोहिर जी हैं, हम उनसे भी आज के शुभ उद्घाटन के लिए उनकी शुभकामनाएं सुनेंगे।
आजच्या या ब्रह्मकुमारीज मेडिटेशनच्या ओपनिंगसाठी उपस्थित असलेल्या आमच्या उल्हासनगरच्या आमदार कलानी मॅडम, तसेच आमच्या महापौर पंचमताई, उपस्थित असलेले या रेजन्सी सर्वांचे सर्व सर्वे सर्वा, महेशबाई त्यांच्या पत्नी, माझे मिस्टर शक्तिवान भोई, उपस्थित असलेला सोमा दीदी आणि सर्व त्यांची टीम आणि इथे उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम सगळ्यांना ओम शांती. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ, निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, अशा या महागणपतीच्या आशीर्वादाने आज ब्रह्मकुमारी मेडिटेशन सेंटरचं ओपनिंग झालं. खरं तर आमच्या या टिटवाळ्या नगरीत महागणपतीचं तीर्थस्थळ असं महाराष्ट्रातून असलेले कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतलं एकमेव तीर्थस्थळ आहे आणि या अशा या पावनभूमीत सोमादिदी आणि महेशबाई यांच्या पुढाकाराने आजचं हे खरंच खूप सुंदर असं एक मेडिटेशन सेंटर आपण चालू केलं, त्याबद्दल खरंच मी या प्रभागाची नगरसेविका आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेची उपमहापौर या नात्याने सर्वप्रथम त्यांचे मी आभार व्यक्त करते. आणि खरंच खूप सुंदर असं नियोजनबद्ध असं आयोजन आपण या मेडिटेशन सेंटरचं केलेलं आहे. आम्ही ज्यावेळी उद्घाटन केलं त्यावेळी सगळं मेडिटेशन सेंटरची आम्ही पाहणी केली, खरंच खूप सुंदर असं आहे. सर्व नागरिकांनी त्याचा खरंच लाभ घ्या, कारण की आजच्या या धकाधकीच्या जीवनात म्हणजे आपल्याला आपण जर सकाळी उठतो त्यावेळी आपलं सर्व आपण शांत असतं, आपलं शरीर आपलं डोकं सगळं शांत असतं, परंतु ज्यावेळी आपण संध्याकाळी आपल्या शरीराची स्वतः चाचपणी केली तर आपला चिडचिडपणा चालू असतो आणि यासाठी एक कुठेतरी 5 मिनिटाची आपण विश्रांती घेण्यासाठी आपल्याला आपलं घर जरी स्वतःचं असेल तरी आपल्याला 5 मिनिटं आपण घरात कुठे घेऊ शकत नाही आणि यासाठी अशा प्रकारच्या मेडिटेशन सेंटरची गरज आपल्याला लागते. आणि खरंच आपल्या जवळच या टिटवाळ्या नगरीत एक सुंदर असं मेडिटेशन सेंटर चालू झालेलं आहे, तरी आपल्या जवळपासच्या सगळ्या नागरिकांना, कारण की ज्यावेळी खरं तर बघायला गेलं तर अधिकारी किंवा कुठल्याही क्षेत्रात काम करत असतो किंवा राजकीय क्षेत्रात काम करत असलो तरी जो चिडचिडपणा आपल्यामध्ये चालू होतो, मीच स्वतः एका डॉक्टरकडे गेली, त्या डॉक्टरांनी मला मेडिटेशन करण्यासाठी सल्ला दिला आणि मी शोधत होते की मेडिटेशन सेंटर जवळपास कुठे आहे, तर मला इगतपुरीचा ॲड्रेस दिला, तर ते इथून ते तिथपर्यंत खूप लांब आहे, पण टिटवाळ्यात एक खूप सुंदर असं मेडिटेशन सेंटर चालू झालं ही खरं तर मला स्वतःला देखील भाग्याची गोष्ट की माझ्याच ओरडात हा मेडिटेशन सेंटर चालू होत आहे. आणि खरंच खूप सुंदर असं आपण म्हणजे पुढे एक पाऊल उचलून महेशबाई आणि सोमादिदी यांच्या सर्व टीमने हे मेडिटेशन सेंटर चालू केलं, त्याबद्दल खरंच मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देते आणि आपणा सर्वांना या कार्यक्रमानिमित्त शुभेच्छा देते. मला इथे बोलावून जो मान सन्मान दिला त्याबद्दल खरंच खूप मी आभार व्यक्त करते आणि इथे संपते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद हमारी अपेक्षा बहन, आपने टिटवाळा निवासियों को बहुत ही अच्छी प्रेरणा दिया कि आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके घर के पास ही गंगा बहती है, आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर इसका पूरा पूरा लाभ लें. मैं सुना रही थी कि प्राचीन जमाने में राजाएँ महल के साथ साथ मंदिर भी बनाया करते थे. व्यवहार और परमार्थ का संतुलन, धर्म और कर्म का संतुलन, व्यवहार में भौतिक जगत में ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई सुझबुझ से बुद्धि से आप दिन प्रतिदिन चरम सीमाओं पर अपने नम्र स्वभाव के द्वारा आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ आध्यात्मिकता आपके रग रग में बसी हुई है. आप जब तक एक दो घंटा आध्यात्मिक अध्ययन ना करें, जैसे शरीर को भोजन देना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे महेश भाई जी सवेरे ये संसार के व्यवहार को आरंभ करने से पहले वह 1.25 घंटा समय देकर कभी गीता अध्ययन, कभी ऋषि मुनियों के अनमोल वचनों के द्वारा प्रेरणा लेकर आप मेडिटेशन करते हैं.
जब आप व्यवहार के साथ परमार्थ को जोड़ा है, संसार में दानी बहुत होते हैं, धर्मशाला बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अनाथ आश्रम बनाना, हमारे पास धन है, हम दान करते हैं, एक हमारे पास चीज है, वस्तु है, संपत्ति है, उसमें से हमने दान किया, वो दुनिया के अंदर बहुत दानी पुरुष है, परंतु एक मन के अंदर जो कल्याण की भावना है वो सर्वोत्तम है। हमारे महेश भाई जी जो कुछ वर्षों से आध्यात्मिकता से, तो वो बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, परंतु कुछ वर्षों से आप ब्रह्माकुमारी संस्था से जुड़े हैं। हमने बहुत गहराई से देखा है कि आपके मन में एक कल्याण की भावना यह है कि आज संसार जो दिन प्रतिदिन संसार की उपलब्धियां करने के बाद भी अशांत रहता है, वास्तव में उसे इस चीज की जरूरत है। जैसे गर्मी के दिनों में प्याऊ की जरूरत पड़ती है, बरसात के दिनों में छतरी की जरूरत पड़ती है, ऐसे आज के समस्याओं के युग में, आज इस अशांति की दुनिया में ऐसे शांति के स्थानों की जरूरत है। हम ये कहें, महेश भाई अभी सुना रहे थे कि ये बहनों ने ईश्वर को जीवन समर्पित किया है, जो हमारे पास जीवन था हमने ईश्वर को समर्पित किया। ये समर्पित बहनें अपने इस समर्पित कार्य में और सेवा में चार चांद लगाएं। आपने ईश्वर को यह पीस पहले समर्पित किया है, आपके इस समर्पण के लिए बहुत 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 आभार है, धन्यवाद है। ये सब आपके अंदर कल्याण की भावनाएं हैं। मैं चाहूंगी आप भी अवश्य दो शब्द हम सबके बीच में बोले। ओम शांति तो करेंगे, ओम शांति भाई, ओम शांति सुनेंगे ना महेश भाई से। ओम शांति, ओम शांति। दादी जान के तीन बार ओम शांति बोलते। हमारे उद्धव दास भाई जी कहेंगे ना दो शब्द। ओम शांति, सभी बोलिए ना ओम शांति। महेश भाई का, पूरे रीजेंसी ग्रुप का, महेश भाई के परिवार का बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। अभी हम सबके बीच में हमारी ज्योति बहन, आप उल्लासनगर से आए, आप आउट ऑफ स्टेशन थे, वैसे आपके आने की डेट आज की नहीं थी, पर आपने इस पीस पैलेस के शुभ उद्घाटन में आने के लिए अपने शेड्यूल को आपने सेट किया। हमारा महेश भाई का प्यार भरा निमंत्रण आपने स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे आज के इस शुभ उद्घाटन में आप अपनी शुभकामनाएं दें। मंच पे हमारे साथ बैठे हुए हमारी दीदियां, संतोष दीदी हमें आशीर्वाद की बरखा करके अभी निकल गए, पुष्पा दीदी, सोम दीदी, हमारे महेश भाई भाभी हैं, साथ में हमारे सभी महानुभाव उद्धव हैं, और सभी हमारे डिप्टी मेयर, और जो भी ऐसे लग रहा है कि बहुत आध्यात्मिक हैं वो अपने परिवार के सहित हमारे सभी यहाँ पे आए हुए, जगह जगह से सभी ओम शांति को प्रेम करने वाले, मन में यही धारणा रखने वाले कि शांति के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इस जगह का नाम रखा है शांति पैलेस। दीदी ने अभी कहा कि जो राजा महाराजा पैलेसेस बनाते थे तो उनके साथ में वो मंदिर भी बनाते थे। बड़ी सुंदर जगह है, यहाँ आते आते ऐसे आभास हुआ, कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है उसको भी अपनी अपनी शक्ति जो है वो प्रदान करती है, अपने वायुमंडल को अपनी जो वाइब्रेशंस भेजती है। वैसे भी यह जगह तो महापौत्र विघ्न विनायक जो है मंगलदायक गणपति बाप्पा, ये उनकी जगह है, तो जाहिर है कि ये कितनी शांतिपूर्वक जगह पहले से ही होगी। और चार चांद लगाने के लिए यहाँ पे जो पीस
पैलेस बनाया गया है शांति का, जो प्रतीक है शांति के लिए। कहते हैं कि तुम शांत बनो कोई शोर नहीं, तुम साध बनो कोई चोर नहीं। वैसे देखा जाए तो शांति जो है वो मन के अंदर हर एक को अपनी टटोलनी पड़ती है। और कहते हैं कि हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, और ये यूनिवर्स जो है वो हमें वापस भेजता है। यहाँ पे जितने लोग आए हैं शांति पसंद, शांति प्रिय हैं, और इस महल में तो और भी एकांत, जिसको बोलते हैं एक का भी अंत हो, तो यहाँ पे जो माहौल है बहुत अच्छा है, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे आए हुए सभी जो ओम शांति के भक्त हैं, और साथ में हमें भी आप दुआ दीजिए, हमें भी ऐसी प्रेरणा दीजिए, वाइब्रेशन अच्छे भेजिए कि हम भी सभी के साथ हमेशा जुड़े रहें और शांति के प्रतीक बने। हम अपने मन की शांति और दूसरों को भी शांति का प्रदान करें, ऐसी ये पवित्र जगह पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। महेश भाई जी ने इसका जो दीदी लोगों को ये जो इतनी अच्छी बढ़िया जगह बना के दी है, उसके लिए हम सभी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ के लोग इसका पूरा पूरा फायदा लेंगे, मेडिटेशन के क्लासेस चलाते हैं, और दीदी यहाँ पे सबको जो है आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उसका सभी पूरा पूरा फायदा लेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ज्योति बहन जी, आप हम सबके बीच में पधारे, आपने मंच की शोभा बढ़ाई, आपने प्यार भरा निमंत्रण हमारा स्वीकार किया। हम सबके बीच में हमारे सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल हमारे कपिल पाटिल जी, जिनकी सवेरे इस बात हुई, वो बहुत ही मतलब उनके अंदर बहुत ही रुचि थी, बहुत ही इच्छा थी मैं आऊं यहाँ पर, परंतु अर्जेंट ही उन्हें गवर्नर की तरफ से कुछ काम के लिए बुलाया गया। परंतु उन्होंने अपनी इच्छा से कहा, दीदी जब प्रोग्राम चालू होगा मैं 2 मिनट फ़ोन पे ज़रूर बात करूँगा और इस पीस पैलेस के लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ दूँगा। तो जो ऐसे इतनी रुचि और प्यार रखते हैं, वो भले प्रोच में हम सबके बीच में नहीं हैं, परंतु वास्तव में वो हमारे साथ में ही हैं। कपिल भाई का हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। हाँ जी बोलिए कपिल जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी दीदियों को मेरी शुभकामनाएं। आपने जो नया सेंटर खोला है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। मुझे एक्चुअली वहां पे आना था, लेकिन गवर्नर साहब का टाइम मिलने की वजह से मैं आ नहीं पाया। 5:30 बजे मुझे राजभवन पहुंचना पड़ा। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं वहां पे होता। जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे बहन के घर में आया हूँ। सभी तालियां बजाएंगे, सभी तालियां बजा रहे हैं। और सभी दीदी लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, उसके वजह से समाज में संतुलन बना हुआ है। सही मायने में देश को प्रगति के ऊपर मार्ग के ऊपर, उन्नति के मार्ग के ऊपर ले जाने के लिए, समाज में प्रबोधन करने का काम ये सारी हमारी दीदियां करती है। इसलिए जब इनके बीच में मैं होता हूँ बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ। भिवंडी में जब मेरे मुझे मौका मिलता है, मैं इनके आश्रम में जाते रहता हूँ। मेरा घर भी उसके बाजू में आश्रम के। बहुत खुशी मुझे होती है जब भी दीदी लोग बुलाने के लिए आती है, मैं मना नहीं कर पाता कितना भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कपिल भाई जी। बहुत ही आप संस्था से, संस्था की सेवाओं से और बहनों के प्रति आपका स्नेह सम्मान है। हमने आपका आपकी ये शुभकामनाएं दिल से स्वीकार किया। हम सबके बीच में हमारे उल्लासनगर से, हमारे झूलेलाल मंदिर के हमारे संत बाबू लीलाराम जी पधारे हैं, हम उनका बहुत 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 स्वागत करते हैं। हमारे सेवादारी आप मंच पर आई, और अभी मैं हमारी महापौर बहन भी 2 मिनट ओम शांति करेंगी। रिस्पेक्टेड दीदी, रिस्पेक्टेड डिग्निटीज
और यहाँ आए हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, पहले तो आप सब ओम शांति बोलेंगे। ओम शांति। हमारे उल्लासनगर में एक पार्क है जिसका नाम है पीस पार्क। हम लोग अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं कि यहाँ हमारे उल्लासनगर में है। हमारे उल्लासनगर वासियों को जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है या स्ट्रेस होता है तो वो पीस पार्क में जाके अपने आप को, अपने मन को शांति दिला सकते हैं। तो आज टीटवाला भी काफ़ी लकी हो गया है क्योंकि पीस पैलेस आ गया है यहाँ पे। तो मैं महेश भाई का, महेश अंकल का थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा और पीस पैलेस दिया टीटवाला को। और आप सभी को भी मैं बोलूँगी जितना हो सके इस पीस पैलेस का लाभ लें, हम सबके मन को शांति मिलेगी। ओम शांति। बहने हमारे आए हुए हमारे बाऊ लीलाराम जी का स्वागत करेंगे और हमारे बीच में हमारे हरिलाल भाई जी जो विशेष माउंट आबू से आए हैं। अब मैं हमारे आदरणीय भ्राता हरिलाल भाई जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप इस पीस पैलेस के शुभ उद्घाटन के अवसर पर आप अपने दिल के उद्गार रखें। ओम शांति। पंचासीन आदरणीय सोम बहन, संतोष बहन को भी हम याद करेंगे, वो जल्दी निकले। हमारे बीच उपस्थित कमिश्नर साहब, केडीएमसी के उप मेयर जो अभी निकल चुके, झूलेलाल मंदिर के पधारे हुए लीलाराम जी, आदरणीय कलानी परिवार, इनको भी, इनके बिगड़ तो उल्लासनगर और उल्लासनगर की ईश्वरीय सेवा अधूरी हो जाएंगी। ज्योति बहन और इनके बहू जो पधारे हैं, उद्धव दास जी मेरे मंच में साथ में बैठे हुए, कटारिया जी जो कई समय से इस कार्यों में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामने चीजवानी जी भी बैठे हुए हैं, हम इन सबको तहे दिल से, और महेश भाई उनके साथ बैठे हुए, उनकी धर्मपत्नी सुमन बहन और महेश भाई के सारे परिवार का तहे दिल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, माउंट आबू की तरफ से मैं बहुत 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 स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, सोम बहन के साथ 1974 से उल्लासनगर की ईश्वरीय सेवा में हम जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूं। कितने साल हो गए, आज आप जो उल्लासनगर सब जोन की सेवाएं को देख रहे हो, वो इस सोम बहन और उनके साथ पुष्पा बहन और इन सारी बहनों की अथक मेहनत का ये फल है। टिटवाला में 1999 में गजानन पैलेस में ईश्वरीय सेवा शुरू हुई, फिर ईरानी मैडम के द्वारा मंदिर में भी सेवाएं हुई, किंतु चार चांद जिसको कहे टिटवाला की सेवा में तो महेश भाई और उनके परिवार ने दिया। थोड़ा हम अंधेरे में बैठे हुए, नहीं तो महेश भाई को एक अलग रीत से भी हम बहुत मुबारक देंगे। क्या लोकेशन चुना हुआ है, कालू नदी बाजू में बह रही है, इस नदी के किनारे आप बैठे हुए हो, ऐसे लोकेशन के लिए भी इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस मेडिटेशन सेंटर के द्वारा किस प्रकार की सेवाएं होंगी और हम क्या क्या लाभ लेंगे वो आगे तो सभी ने बता ही दिया है। मैं एक ही बात कहने चाहता हूं कि इस रीजेंसी ग्रुप ने मेडिटेशन के ओपनिंग इसके साथ में करके रीजेंसी ग्रुप माना इस ग्रुप के इन सारे परिसर में रहने वालों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा उपकार का कार्य किया हुआ है। जिनका अनुभव यहां रहने वाले, यहां जो नहीं रह रहे वो यहां रहने को आवे तो होगा, मेरा तो ये सबको निमंत्रण है कि इस रीजेंसी सर्वम में यहां आके रहना चाहिए। महेश भाई को कहे भाई जिनको चाहिए हम सबको फ्लैट की चाबियां दे ताकि हम इनका लाभ लेवे। इतना सुंदर लोकेशन, ये व्यवस्थाएं, ये बहुत ही, इतने साल, आज करीब 52 से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, किंतु इस प्रकार का लोकेशन, व्यवस्था,
कहीं भी मैंने नहीं देखी है। तो इसके लिए फिर से एक बार रिजेंसी ग्रुप महेश भाई को दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। करीब 1.5 साल पहले उल्लासनगर सेवा केंद्र पे सोम दीदी पुष्पा दीदी ने मीटिंग के लिए मुझे बुलाया था महेश भाई के साथ, और महेश भाई ने 1.5 साल पूर्वे जो वचन दिया था अक्षरशः मैं उसका साक्षी हूं, वो इस महानुभाव ने पूर्ण किया है। आज आप जानते हो रियल एस्टेट की मार्केट की क्या पोजीशन है। उसको एक बाजू में रखकर महेश भाई ने जो हिम्मत साहस, और आप तो जानते हैं डोंबिवली में भी कितना बड़ा प्रकल्प इन्होंने शुरू किया है, इनको भी हम बहुत बहुत ऐसे समय में ऐसी व्यवस्था इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापन हुई उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन माउंट आबू से हमारी आदरणीय जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी, रतन वहिनी दादी जी, निर्वैर भाई और ब्रिजमोहन भाई, हमारे इन सभी सीनियरों ने इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और ये मैं धन्यवाद इनको दे रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा, अभी इसका आप लाभ लें, जो व्यवस्थाएं हुई हैं इनका अवश्य लाभ लेकर औरों को भी हम लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अंत में आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय हो और शिव बाबा की अपार कृपा आप सभी पे बरसती रहे, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरिलाल भाई जी। अभी हम सबके बीच में हमारे पूजनीय हमारे बाऊ लीलाराम जी, आप भी बहुत समय से ईश्वरीय इस संस्था से जुड़े हैं और हमेशा आपके झूलेलाल मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते हैं आप हम बहनों को निमंत्रण देकर बुलाते हैं, हम भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये दिल का प्यार है और आप यहाँ पर टिटवाला में आए हैं हमारे महेश भाई के द्वारा ये ईश्वरीय सेवा में समर्पित ये पीस पैलेस के शुभ उद्घाटन में हम चाहेंगे आप भी अपने अनमोल शब्दों के द्वारा आशीर्वचन दें। ओम शांति भाई। मैं पहले से बोलता हूँ, सब लोग बोलेंगे ए आयो लाल सबई तो झूले लाल। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई महेश भाई जी ने इतना बड़ा सुंदर कार्य कर दिया है। जो यहाँ लोग आके मेडिटेशन करेंगे और भक्ति भाव करेंगे, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारी बहन लोग, हमारी माता जी सोम दीदी और जितने भी इनकी बहनें हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उल्लासनगर में या पूरे वर्ल्ड में ये लोग कार्य कर रहे हैं, मैं इनके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु उधर प्रार्थना करूँगा कि इनका जो ये कार्य है ईश्वर विश्वविद्यालय का बढ़ता रहे और आदमी को ऐसे ऐसे ज्ञान की देते रहे। ओम शांति बहन। हमारे कटारिया जी भी अपनी बहुत सेवाएं देते हैं हमेशा, जहाँ भी बाबा के सेवा स्थान तैयार होते हैं और आप अपनी सेवा जो है वो ज़रूर देते हैं। पीस पैलेस में भी आपने इसे सुंदर बनाने की बहुत सेवाएं दिया है, तो आप भी इस पीस पवन के प्रति अपने दिल के उद्गार जरूर बोले। बाबा का स्नेह के थ्रू जिस तरीके से मुझे मिलते रहा, उस भाव को मैं प्रकट करते हुए सेवाओं में आगे बढ़ते रहा। मुझे जैसे जैसे इनकी तरफ से मैसेज मिलते गया, बाबा की तरफ से मिलते गया, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे भवन उसमें हमारा योगदान रहा और आगे भी ऐसे रहेगा, ऐसी कामना करता हूँ और सेवा में जुड़ा रहूँगा। ओम शांति। ओम शांति। हर कार्य की शुरुआत शुभकामनाओं से और समाप्ति आशीर्वचन से होती है। हम सबके बीच में हमारी प्रेरणा के स्रोत हमारी आदरणीय सोम दीदी जी,
हम उनसे भी अब इस शुभ उद्घाटन के प्रति और इस पीस पैलेस के लिए दीदी के मन में क्या उद्गार हैं, बाबा के इस नए भवन के लिए आप अपने क्या वरदानी बोल बोलना चाहेंगे, वो हम सभी को बहुत ही उत्कंठा है। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। शांति के सागर परम प्रिया परम सतगुरु परम शिक्षक की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित मेरे सब भाई एवं बहने और सभा में भाई बहनों की उपस्थिति देख करके मुझे बहुत 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 हर्ष हो रहा है। इस पीस पैलेस के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मिल भी गई है और इस आत्मा की तो जब से लेकर के हमारे महेश भाई जी ने कभी शो नहीं किया था, पर फिर भी थोड़ा सा कान में जैसे गुप्त गुप्त ही रखा था और उस समय से ही लेकर के इस भूमि को और साथ साथ में इस भूमि के दाता को बहुत ही दिल से और रूहानी स्नेह से उस पिता परमात्मा की ओर से एक ही मेरी शुभकामना रहती है। ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैं जितना आपको बहुत नज़दीक से पहचान गई हूँ, इसी प्रकार से जो ऐसी श्रेष्ठ श्रद्धा रखने वाली महान महा पुण्यात्मा और हमारे सीताराम भाई जी, हमारे सेबी भाई जी, जिन्होंने अथक इस भवन को तैयार करने में हमारी कामना के साथ साथ हमारे महेश भाई जी की कामनाओं को पूर्ण रीति से समर्पण किया और बहुत सुंदर बनाने में योगदान दिया। मेरी तो ऐसी दिल होती है, वो दिल कहाँ से लाऊं जो मैं ऐसी प्यार से और मीठे बाबा की याद से दिल भर भर करके शुभकामना आप सभी के लिए करूं और करती हूं, करती रहूंगी और इस स्थान को तो सींचती रहती हूं और सींचती भी रहूंगी, क्योंकि मेरा जीवन ही प्रभु सेवा के लिए है और कुछ मेरे लिए रहा ही नहीं है। जीवन ही मेरा प्रभु अर्पण है और उसकी सेवा के लिए है। तो ऐसी मेरी शुभकामना है, जिन भावनाओं से इन सभी आत्माओं ने इसको इतना सुंदर रूप दिया है और उस सुंदर शिवालय में आकर के शिव पिता परमात्मा की अमृत वाणी सुन करके अमर रस, जो दुनिया वालों ने कहा प्रेम रस पियो रे, राम रस पियो रे, राम रस पी करके सबके सब अपने मन को तृप्त कर ले में, ऐसी मेरी शुभकामना है।
और इन कामनाओं के साथ साथ मैं फिर से आप सभी भी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी की उपस्थिति के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहूँ कि आपने अपना टाइम निकाल करके और हमारी ज्योति बहन, पंचम बहन, हमारे भाऊ लीलाराम जी इतने व्यस्त होते हुए भी और अपना कीमती टाइम दिया, और उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ओम शांति। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति एक कटिंग के द्वारा होगी। हमारे बीच में हमारे सुरेश बोईड भी आए हैं, आप भी आए और एक कटिंग में आप अपना अपनी क्या दें, आपका शामिल होना भी बहुत बहुत गर्व की बात है। हम सब तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे डॉक्टर रमेश तिवारी जी और कुसुम बहन भी आ जाएं मंच पर, पेट कटिंग में साथ दें। आइए सभी आ जाएं, आइए ना रिंकू बहन, संगीता बहन, सभी आएंगे। हमारे हरिलाल भाई कहते हैं आनंद की घड़ी में उत्सव में पूरा परिवार शामिल हो, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारी ज्योति बहन भी जरूर जरूर आए ऊपर, सारे परिवार का बहुत बहुत स्वागत अभिवादन। बीस पैलेस बना प्यारा आशियाना, आया दिन खुशियों का दीवाना, आया दिन खुशियों का सुहाना। बीस पैलेस बना प्यारा आशियाना, संतोष दीदी से उद्घाटन कराना, गाए दिल मस्तियों में तराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। आई वो वेला पावन है, मंगलमय उद्घाटन है, आई वो वेला पावन है, मंगलमय उद्घाटन है। टीट वाला के भाग्य जगे हैं, दिल वाला वो आन बसे हैं, प्रभु शरण में सबको है लाना, गाए दिल मस्तियों में तराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। उल्लास लिखा जा रहा है एक इतिहास, टीट वाला में छाया है उल्लास, लिखा जा रहा है एक इतिहास। शिव मंदिर या शिवालय है, आध्यात्मिक विद्यालय है, सुख शांति का वर्षा दिलाना, गाए दिल मस्तियों में तराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। सारा जग यहाँ आएगा, प्रभु से मिलन मनाएगा, सारा जग यहाँ आएगा,
प्रभु से मिलन मनाएगा, शिव का ध्वज लहराएगा, सब धर्मों को एक बनाएगा। मेरा बाबा आया सबको सुनाना, गाए दिल मस्तियों में तराना। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। एक छोटे बच्चों की डांस है बहुत अच्छी, जो आप सभी जरूर देखकर जाएंगे। निपुण डांस एकेडमी से बच्चों की एक डांस है जो सभी आएंगे। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए। भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं, नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो, मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा कर अंधेरों को सूरज जो निकलता है, सूरज जो निकलता है, बादलों से डर के वो राहें नहीं बदलता है, राहें नहीं बदलता है, कांटों में जो
भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाएगा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा शांति। बहुत 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 धन्यवाद बच्चों का। अभी हमें धन्यवाद करना है हमारे ममता फ्लावर्स, हमारे दीप भाई और हमारे जयंत भाई। ये जो आप जितने भी बलून का डेकोरेशन देख रहे हैं, ये हमारे दीप भाई ने और जयंत भाई ने किया है, दोनों बाप बेटे ने मिलके। हम इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप दीदी से मिलें, दीदी भी आपका स्वागत करेगी जयंत भाई। और उसके बाद में हमारे पवन डेकोरेटर्स जिन्होंने ये सजाया है, और हमारे राज डेकोरेटर, हमारे उनके राज भाई तो नहीं है, त्रिलोक भाई हैं। आइए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिवादन। ये जितनी भी लाइट डेकोरेशन, जितना भी मंडप देख रहे हैं, ये हमारे पवन भाई, पवन कैटरर्स और प्लस राज डेकोरेटर की तरफ से ये हमें सेवाएँ मिली हैं। आप भी दीदी से ज़रूर ब्लेसिंग्स लें। हमारे रीजेंसी ग्रुप ने भी, जो भी पूरी सिक्योरिटी हैं, सफाई डिपार्टमेंट हैं, सभी ने बहुत बहुत, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट है, रीजेंसी ग्रुप के टोटली टीम का ये विद्यालय तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप सभी का है, जो आप सभी यहाँ पर बैठे हैं और ये कार्य बहुत शुभ रीति से चल रहा है। हमारे श्याम भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो गीत संगीत के द्वारा वो आपको अभी भी बहुत अच्छे अच्छे गीत वो गाएंगे।
कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी।